जी हाँ दोस्तों, मैं बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेलो सर। जी हाँ फ्रेंड, आज मैं एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। आज का मेरा टॉपिक है नल और टंकी। तो देखिए बोर्ड पर सवाल दे रहा है कि एक नल एक इसी टंकी को 15 घंटा में तथा दूसरा नल भी इसे 5 घंटे में भर सकता है। यानी एक नल एक टंकी को 15 घंटा में और दूसरा नल 5 घंटा में भर सकता है। अब कह रहा है कि दोनों यदि नल को एक साथ खोल दिया जाए, यानी ए और बी दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो पूरा जो हौज जो है यानी टंकी है कितना घंटा में भरेगा। जी हाँ दोस्तों, तो नल और टंकी का सवाल जो है पूरी तरह से आप याद रखेंगे समय और कार्य पर आधारित है, समय और कार्य पर आधारित है। तो आप जानते होंगे कि जब भी समय और कार्य का रिलेशन निकालते हैं तो वह एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि समय यदि अधिक होगा तो कार्य होता है कम, और समय यदि कम होगा तो कार्य होता है अधिक। इसका मतलब जस्ट उल्टा। यदि सपोज मान के चलिए, यदि डे आपको दिया गया है, समय यदि 10 दिन दिया गया है, समय 10 दिन दिया गया है, तो यदि इसका कार्य पूछा जाएगा तो यह हो जाता है 1/10। उसी तरीका से सेम प्रोसेस समय और कार्य का जो रिलेशनशिप है नल और टंकी के प्रश्नों में लागू होगा। चलिए दोस्तों, आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में देख लीजिए, जो लिखना है नल ए लिख लीजिए, ट्रिक करा 15 घंटा, और नल जो है बी 5 घंटा। ये दोनों अलग अलग भर सकते हैं 15 घंटे और 5 घंटे में। तो एक साथ चूंकि भरना है तो पहला मेरा काम होगा दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 15 और 5 का एलसीएम निकालिएगा तो यह आएगा आपका 15। 15 क्या हो गया आपका टोटल कार्य हो गया। और उसी तरीका से 15 में फिर 15 से भाग लगाएंगे तो एक आ जाएगा, 5 से 15 में भाग लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो एक ये लिख लीजिए प्रति घंटे कार्य। तब यही पर दोस्तों समझने का मतलब है कि एक पार्ट जो है यानी नल ए एक पार्ट एक घंटा में भरता है, तो उसको 15 पार्ट भरने में कितना घंटा लगेगा, 15 घंटा लगेगा। उसी प्रकार से यहाँ समझने की आवश्यकता है कि एक मिनट में 3 पार्ट भरता है तो 5 मिनट 5 घंटे में कितना पार्ट भरेगा, तो कुल 15 पार्ट भरेगा। तो दोनों कह रहा है कि एक साथ भरते हैं तो इसको क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, तो ये टोटल हो गया 4 पार्ट। अब आपको टोटल कितना पार्ट भरना है, 15 पार्ट भरना है, यानी एक घंटा में 4 पार्ट। आप एक ही नियम से भी लगा सकते हैं, 4 पार्ट बराबर 1 घंटा। तो 1 पार्ट बराबर 1/4, आपको 15 पार्ट भरना है तो ये हो गया 15/4 घंटा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 3 × 3/4 घंटा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही नल और टंकी संबंधी एकदम बेहतरीन ट्रिक है। इस ट्रिक से नल और टंकी संबंधी ढेर सारे प्रश्नों को आप आराम से एकदम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, सवाल नंबर 2 देख लीजिए, कह रहा है कि एक हौज 2 नल लगा हुआ है, पहला इसे 18 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा 24 घंटे में इसे खाली कर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल देने पर हौज कितने समय में भरेगा। तो इसमें देखिए नल जो है ए 18 घंटे में भर सकता है, और नल जो बी है उसे 24 घंटा में खाली कर सकता है। तो कह रहा है कि नल कितना देरी में भरेगा, तो क्या करेंगे पहले दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 18 और 24 का हो गया एलसीएम आपको 72, 24 या 72, 4 × 72 4 टाइम्स हो गया, और ए हो गया 3 टाइम्स। अब ए देखिए है आपका भरने वाला और ए है खाली करने वाला,
इसका मतलब है कि एक घंटा में चार भाग भरेगा लेकिन तीन भाग क्या होगा, खाली हो जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक घंटा में कितना भाग भरेगा, दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी एक घंटा में एक भाग भरेगा, एक भाग भरेगा। अब यहाँ समझ लेना है कि एक घंटा में चार और तीन घटाने के बाद आपके पास वन आया, तो इसमें है क्या, आपको 72 पार्ट भरना है। टोटल कितना पार्ट भरना है, 72 पार्ट भरना है। तो एक घंटा में एक भाग भर रहा है, तो 72 भाग भरने में कितना घंटा दोस्तों समय लगेगा, आराम से लिख देंगे, अभिष्ट समय बराबर 72 घंटा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको बहुत मजा आ रहा होगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह नल और टंकी संबंधी वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल हेलो सर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करिए। धन्यवाद।